जेम्स वेब टेलीस्कोप का भी लॉन्च हुए एक साल से भी कम टाइम हुआ है, लेकिन इस टेलीस्कोप ने अपनी कैपेबिलिटी से हमें काफी दफा हैरान तो कर ही दिया है। इससे कैप्चर किए गए गैलेक्सीज, नेब्यूलास, एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर और बहुत सारी इमेजेस जो अब तक की सबसे डिटेल्ड इमेजेस हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब इसके मिशन का एक नया फेज भी स्टार्ट होने वाला है, और वो है हमारी प्लैनेट से बाहर किसी दूसरी लाइफ को तलाश करना। अब इसके स्टार्ट होते ही हमें हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद जमीन जैसे रॉकी प्लैनेट का पहला डिटेल इनसाइट मिल पाएगा। लेकिन क्या हम यहीं पर किसी तरह की लाइफ की मौजूदगी को डिटेक्ट कर पाएंगे? लाइफ की सिग्नल्स को तलाश करने के लिए हम उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन में किसी तरह के केमिकल सिग्नेचर्स को तलाश करते हुए वहाँ पर लाइफ की मौजूदगी का पता तो लगा सकते हैं, क्योंकि हर एक केमिकल का एक खास तरह का सिग्नेचर रहता है जिसे डिटेक्ट करते हुए साइंटिस्ट को आसानी से पता चल जाता है कि क्या उस प्लैनेट पर किसी किस्म की लाइफ होने का सबूत है। वेल, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसको साइंटिस्ट का कहना ये है कि वेब चार तरह की केमिकल सिग्नेचर्स को डिटेक्ट करता है जिससे हम लाइफ की साइंस को तलाश कर सकते हैं। 19वीं सदी से ही साइंटिस्ट इस चीज के बारे में जानते हैं कि कुछ केमिकल्स लाइट के रेवलेंट के कुछ हिस्से को सॉल्व भी करते हैं, तो वहीं पर ही उस रेवलेंट की वजह से उसे इमेज के रेडिएट भी करते हैं। हमारी इस नॉलेज को जेम्स वेब टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेशन में भी यूज किया जाएगा, जिसे कुछ प्लैनेट को स्टडी करने के बाद हमें केमिकल्स की एक ऐसी भी लिस्ट मिल जाएगी जो इस्तेमाल करते हुए हम प्लैनेट्स की हैबिटेबिलिटी का पता लगा पाएंगे। इसके साथ ही जेम्स वेब जिन केमिकल्स इंडिकेटर को तलाश करेगा उन्हें हम ग्रुप में बांट सकते हैं। नंबर 1 ऑक्सीजन एंड ओजोन, नंबर 2 फॉस्फीन एंड अमोनिया, नंबर 3 मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड और नंबर 4 केमिकल इम्बैलेंस। ऑक्सीजन जो कि एक बायो सिग्नेचर है, क्योंकि हमारी जमीन पर लाइफ को मेंटेन करने का बहुत बड़ा रोल निभाता है। पौधे इसे बनाते हैं, हम इससे सांस लेते हैं। जमीन पर मिले कुछ सबसे पुराने रॉक से हमें ये पता चलता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का ये लेवल इसके पास में लाइफ के एवोल्यूशन के साथ बहुत तेजी से बदलता आया है। और अर्थ की शुरुआती हिस्ट्री में अगर देखें तो इसका एटमॉस्फेयर मेनली कार्बन डाइऑक्साइड से ही बना था, लेकिन वक्त के साथ साथ साइनोबैक्टीरिया और कुछ ऑर्गेनिजम्स ने एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन गैस में बदल दिया, और इस इवेंट को ऑक्सीजनेशन इवेंट कहा जाता है, जो कि आज से बिलियन साल पहले जमीन के एटमॉस्फेयर में फैला हुआ था। जिस ऑक्सीजन को हम ब्रीथ करते हैं वो ऑक्सीजन 2 एटम्स के मिलने से बनी है, लेकिन ऑक्सीजन की एक और कॉन्फिगरेशन हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में पॉसिबल है, जो कि O3 या फिर ओजोन, जो कि अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के इंटरैक्ट करने से बनी है, और इसी से हमारी जमीन की ओजोन लेयर बनी है, जो कि आज जमीन की लाइफ को सन से आने वाले UVI रेडिएशन से बचाती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी प्लैनेट पे हमें ये दोनों चीजें मिल जाएं तो वहां पर हमें कोई लाइफ भी मिल जाएगी? वेल, इसका आंसर है नो, क्योंकि इन्हीं दोनों मॉलिक्यूल्स का एक एक्सोप्लैनेट पे मिलना हमारे लिए किसी तरह से भी लाइफ की मौजूदगी का एविडेंस नहीं होगा। हमारी मल्टीपल स्टडीज से ये पता चलता है कि कई ऐसे सारे रास्ते और भी हैं जिनसे किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन रिच बन सकता है। वेल, सेकंड नंबर पर आता है अमोनिया और फॉस्फीन। इसको तलाश करने का जो करंट फोकस है वो एक्सोप्लैनेट्स पर है, लेकिन कुछ टाइम पहले हमारी जमीन के करीब बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस भी हुई थी जहां फॉस्फीन गैस, जो कि नेचुरली हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर में नेचुरली जनरेट होती है, जैसा कि गैस जायंट जुपिटर सैटर्न पर, लेकिन हाल ही में इसकी डिटेक्शन वीनस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में भी हुई थी। अब ये खास इसलिए है क्योंकि इस फॉस्फीन गैस को एक पोटेंशियल बायो सिग्नेचर्स कहा जाता है, और इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, और इसीलिए अगर उस प्लैनेट पर कोई लाइफ भी मौजूद नहीं है तो हम भी वीनस के एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन की लार्ज क्वांटिटी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि इस तरह के एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से भरे होते हैं, और इसीलिए साइंटिस्ट के लिए वीनस की उस फॉस्फीन को एक्सप्लेन करना काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। और लाइफ का एक और पोटेंशियल बायो सिग्नेचर अमोनिया गैस भी हो सकता है, क्योंकि इससे हमारी जमीन पर एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं फॉस्फीन के जैसे ही, ये गैस जायंट पर बड़ी अमाउंट पर देखने को तो मिलती है, लेकिन रॉकी प्लैनेट्स पर ये लाइफ की मौजूदगी के बिना मौजूद नहीं होगी। हालांकि इन्हीं दोनों गैसेस फॉस्फीन अमोनिया को अगर किसी दूर के एक्सोप्लैनेट पर तलाश करना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम होगा, क्योंकि जमीन के एटमॉस्फेयर में गैसेस का हिस्सा 1% से भी कई गुना ज्यादा कम है, इसलिए किसी एक्सोप्लैनेट पर इनकी डिटेक्शन करना कोई आसान काम नहीं होगा। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को भी पोटेंशियल बायो सिग्नेचर्स कहा जाता है, क्योंकि ये जमीन पर कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस में मेन रोल निभाते हैं। ये दोनों गैसेस एनिमल बायो प्रोडक्ट से बनाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मिकदार का मौजूद होना एक प्लैनेट को लंबे अरसे तक टेम्परेचर को मेंटेन करने में तो मदद देगा, लेकिन इसके ज्यादा या कम अमाउंट होने की वजह से वहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बन सकता है, जो कि उस प्लैनेट को गर्म करने से लेकर बर्फ की गेंद बना सकता है। लास्ट नंबर पर आता है केमिकल इम्बैलेंस, जो कि किसी प्लैनेट पर लाइफ की मौजूदगी की तरफ पॉइंट करता है। अब ऐसा इसी वजह से है क्योंकि जहाँ पर लाइफ मौजूद होगी वहाँ पर किसी तरह का कोई कोलैबोरेटर मौजूद नहीं होगा, जिसकी वजह से कोई लाइफ कहीं मौजूद होगी तो वहाँ पर कंटिन्यूसली कुछ सर्टेनली केमिकल्स को कंज्यूम करे,
एनर्जी को जनरेट करेगी और अदर केमिकल्स को बायोमेट्रिक के रूप में प्रोड्यूस करेगी और फिर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। लेकिन अलग तरह के एटमॉस्फेयर में अलग अलग केमिकल्स प्रोसेस के साथ लाइफ इस काम के लिए अलग अलग प्रोसेस को फॉलो करती है। वेल, क्या होगा अगर हमें एलियन लाइफ की मौजूदगी के साइन मिलते हैं? जेम्स वेब टेलीस्कोप पहले से ही एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर के ऑब्जर्वेशंस करता ही आ रहा है, बहुत ज्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा काम भी कर रहा है। इसके फर्स्ट कलर इमेजेस के साथ ही इसने एक प्लैनेट के एटमॉस्फेयर कंपोजिशन को भी स्टडी किया था जो कि एक गैस जायंट था। लेकिन रॉकी प्लैनेट के केस में लाइफ की साइंस को तलाश करना इतना आसान भी नहीं होगा। अगर हम पॉसिबल बायोसिग्नेचर गैसेस को डिटेक्ट और एक्यूरेटली मेजर करने में भी कामयाब हो गए तो अभी हम इस चीज का दावा नहीं कर सकेंगे कि हमें एलियन लाइफ को डिटेक्ट कर लिया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप हमारे लिए स्पेस प्लैनेट के एक्सप्लोरेशन में नए दरवाजे खोलते जा रहा है और जिसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि काफी सारी पुरानी अजम्पशंस जल्दी गलत साबित होने वाली। जेम्स वेब की तरफ से की जाने वाली बायोसिग्नेचर्स की डिटेक्शंस एक इंटरेस्टिंग हिंट्स होगी कि यूनिवर्स में होने वाली ऐसी कंडीशंस वाली प्लैनेट्स काफी ज्यादा कॉमन है और इन पर लाइफ के मौजूद होने के लिए सारी कंडीशंस भी मौजूद हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिशन का ये फेज जल्दी स्टार्ट होने वाला है।